कोरोना वायरस के खिलाफ देश इस वक्त एक जंग लड़ रहा है, जिसमें हमारे डॉक्टर्स सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना वायरस को लेकर जब डॉक्टरों की टीम जांच के लिए पहुंची, तो उन पर हमला किया गया। अब इस घटना पर मशहूर शायर और डॉक्टर राहत इंदौरी का बयान सामने आया है। राहत इंदौरी ने इस पूरे मामले पर एक वीडियो शेयर किया। राहत इंदौरी ने कहा कि इस घटना के बाद सर शर्म से झुक गया है। आप खुद ही सुन लीजिए। आपके साथी थे, आपके माविन थे, आपकी हालत, आपकी तबीयत देखने आए थे। उनके साथ जो आपने सलूक किया, पूरा हिंदुस्तान हैरत में है कि ये इंदौर शहर जो इतना महजब, इतना पढ़ा लिखा, इतना तमीज़ों वाला, इस शहर को क्या हो गया? किसकी नज़र लग गई? किन अफवाहों में आप लोग गिर गए? खुदा के लिए सोच समझ कर कदम उठाएं। वो लोग जो आपके पास आ रहे हैं, आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, डॉक्टर्स, हेल्थ ऑफिसर्स, पुलिस, ये सब हमारे मददगार हैं। इनकी मदद आप अगर करेंगे तो वक्त कल हमारी मदद करेगा। ट्विटर पर वीडियो साझा करते हुए राहत इंदौरी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, हमारे शहर में जो वाकया पेश आया, उसकी वजह से सारे मुल्क के लोगों के सामने शर्मिंदगी से गर्दन झुक गई है। शर्मसारी हुई, ये लोग आपकी तबीयत देखने आए थे, उनके साथ जो आपने सुलूक किया, इससे पूरा हिंदुस्तान हैरत में है। राहत इंदौरी ने आगे कहा कि इंदौर शहर की पहचान शानदार शहरों में होती है, लेकिन इस तरह का बर्ताव बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि अगर आज आप डॉक्टरों की मदद करेंगे तो वक्त आपकी मदद करेगा। बता दें कि इंदौर के टाटपट्टी इलाके में जब स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम कोरोना वायरस के मरीज का इलाज करने पहुंची, तो वहां मौजूद लोगों ने उन पर पथराव किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ और बाद में पुलिस ने कार्रवाई भी की। अब राहत इंदौरी ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है और लोगों से अफवाहों में न आने की भी अपील की है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।